हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम अजहर आसर और मैं हूं अहमद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो ये है कि Redmi स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में Redmi की क्या प्राइस है और इंडिया में क्या है Redmi की प्राइस है। बेसिकली अहमद, स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान में काफी महंगे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में बहुत सस्ते हैं, असल में यहाँ पर ड्यूटी बहुत ज्यादा असर लगती है, ठीक है, टैक्स वगैरह। और दूसरी ये चीज है कि जो बहुत ज्यादा, मैं Redmi की ओवरऑल स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग भी काफी हद तक इंडिया में शायद स्टार्ट हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग आपकी वहाँ जो इन्फिनिक्स ब्रांड है वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वहाँ होती है। ओप्पो चाइना ब्रांड है, ओप्पो चाइना ब्रांड है, असेंबलिंग आई थिंक वहाँ होती है। मुझे लग रहा है इंडिया की है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मूवीज में पहले जो है ना, और जो है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि ओप्पो ओप्पो ओप्पो। हाँ, सबसे पहले ओप्पो पाकिस्तान में पता नहीं था ओप्पो है क्या। ओप्पो तो फिर बाद में पाकिस्तान में आया ना, तो मुझे लगा शायद इंडिया का ही ब्रांड है। तो मे भी पता नहीं, वो ये दोनों कंपनीज इकट्ठे आई थी इंडिया में, डोमिनेट किया था इन्होंने काफी। अच्छा, लेकिन है ये चाइना से, ये चाइना से मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में चाइना से, चाइना से मेड इन चाइना, बट असेंबलिंग आई थिंक इंडिया में। तो सैमसंग की कंपनी भी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में आ गई है। इन्फिनिक्स, बड़े बड़े ब्रांड्स जो है, नोकिया जैसे ब्रांड्स है, आई थिंक वो भी असेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। असल में इससे बहुत ज्यादा जो है ना फर्क होता है। एक आप जो है ना फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं, उस पर ड्यूटी लगती है। एक आप अपने कंट्री में असेंबल कर रहे हैं, उस फिर वहां पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें इनकम जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, जो इम्पोर्ट करने की ड्यूटी है वो कैंसिल हो जाती है। उसी के साथ साथ इंप्लॉयमेंट भी काफी बढ़ती है। तो मैं खैर वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर किसी मजे की डिस्कशन करेंगे क्या प्राइसेस हैं, क्या सीन है। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फ़ोन आता है उस फ़ोन को इंडिया में Redmi Note 7 Pro के नाम से लॉन्च किया गया था, जबकि ये फ़ोन पाकिस्तान में Redmi Note 7 के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फ़ोन इंडिया में तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, जैसे पहला जो है वह है 4GB रैम 64GB रोम के साथ, दूसरा 6GB रैम और 64GB रोम के साथ, और तीसरा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ ये लॉन्च हुआ था। जबकि पाकिस्तान में ये फ़ोन सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम और 128GB रोम के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग दोनों फ़ोन में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन इंडिया में चूंकि तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, इसलिए तीनों वेरिएंट का प्राइस अलग अलग है। जैसे 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 9,999 रुपया है, जबकि 6GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 10,999 रुपया है, और 6GB रैम 128GB रोम का प्राइस 13,999 रुपया है। जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 29,999 रुपया है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं। अगला जो फ़ोन है उस फ़ोन को इंडिया में Redmi 8 के नाम से लॉन्च किया गया था, और पाकिस्तान में भी Redmi 8 के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फ़ोन इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 7,999 रुपया है, जबकि ये यही फ़ोन पाकिस्तान में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 22,990 रुपया है, जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi 7A के नाम से लॉन्च हुआ था, और पाकिस्तान में यही फ़ोन Xiaomi Redmi 7A के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में 2GB रैम और 32GB रोम का प्राइस 5,499 रुपया है, जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में 2GB रैम और 32GB रोम का प्राइस 15,650 रुपया है। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi 7 के नाम से लॉन्च हुआ था, जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में Xiaomi Redmi 7 के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 2GB रैम 32GB रोम के साथ, और दूसरा जो है 3GB रैम और 32GB रोम के साथ ये लॉन्च हुआ था, जबकि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 3GB रैम और 64GB रोम के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो इंडिया में क्योंकि ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, इसलिए दोनों वेरिएंट का प्राइस अलग अलग है। जैसे 2GB रैम 32GB रोम का प्राइस
7,498 रुपया है, जबकि 3GB RAM 32GB ROM का प्राइस 9,999 रुपया है। और इसी फ़ोन का प्राइस पाकिस्तान में 3GB RAM और 64GB ROM का प्राइस 21,999 रुपया है। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi Note 8 के नाम से लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में Redmi Note 8 के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, पहला 4GB RAM 64GB ROM के साथ और दूसरा 6GB RAM 128GB ROM के साथ ये लॉन्च हुआ था, जबकि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था 4GB RAM और 64GB ROM के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन दोनों फ़ोन में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में चूंकि ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है इसलिए दोनों वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है, जैसे 4GB RAM 64GB ROM का प्राइस 11,784 रुपया है, जबकि 6GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 13,590 रुपया है, जबकि पाकिस्तान में इसी फ़ोन का प्राइस 4GB RAM 64GB ROM का प्राइस 29,999 रुपया है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंडिया के रेडमी फ़ोन्स का प्राइस जो है और पाकिस्तान के रेडमी फ़ोन्स के प्राइस में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, लगभग डबल से भी ज़्यादा है पाकिस्तान का फ़ोन के प्राइस में। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में आखिर Redmi फ़ोन का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट पे अलग अलग बहुत सारे टैक्स लगे हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ के फ़ोन के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके गाइस, वीडियो यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो हमने देखा कि जमीन आसमान का फर्क था, लाइक 3 times ज्यादा प्राइस थी पाकिस्तान से इंडिया की, तो इंडिया से पाकिस्तान की, पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की। एक और डिफरेंस भी देखा गया कि वेरिएंट्स भी काफी ज्यादा, मतलब अगर एक ही मोबाइल उसके दो वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च होते हैं उसका एक ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता है, ठीक है ना, उसकी पता नहीं क्या वजह क्या सीन है। तो लेकिन आई थिंक जो उन्हें लगता है कि बेस्ट है बस यही मिडिल में रखे, एवरेज रखे, जो एक ही वेरिएंट है यही करना चाहिए पाकिस्तान में लॉन्च, exactly. तो वो कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि शायद पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हिसाब से वेरिएंट्स भी ज्यादा ही, हमेशा हर फोन का मैंने देखा हर मॉडल का वेरिएंट 2 या 3 या 2 मिनिमम थे, लेकिन पाकिस्तान में उसका एक ही वेरिएंट मोस्टली आता था, ठीक है। अब जो प्राइसेस का यार 2 इश्यूज हैं, मतलब मेरे जो माइंड में आते हैं ना, ओके, एक तो ये कि जो हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। वैसे भी कहा जाता है जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें कार्स होगी होंडा की, करोला की, ठीक है ना, सुजुकी की, तो इसमें भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कार्स की प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया कार्स की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। अब मोबाइल्स जो है ना इंडस्ट्री में भी यही सीन है कि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने लगाई हुई है, पता नहीं क्या सीन है, क्यों लगाई है इतनी ज्यादा, हर चीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। तो शायद वो प्रमोट करना चाहते हैं मेक इन पाकिस्तान को, लेकिन मेक इन पाकिस्तान प्रमोट तब होगा जब कोई इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, तो तब भी जो है ना कुछ ग्रो जो है ना इंप्रूवमेंट नजर आएगी, तभी जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी भी शायद कहीं कम करें जब पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो जाए। बात की बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ असेंबलिंग से ही पाकिस्तान का काफी मतलब ये फर्क जो है ना कम हो सकता है, कम हो सकता है, बट असेंबलिंग तक नहीं हो रही पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हर प्रोडक्ट है वो चाइना से आ रहा है और चाइना इससे फायदा उठा रहा है, बिल्कुल, आईफोन वगैरह फिर वहां से। अब ये गाइस फोन वगैरह की चाइना के अंदर असेंबल हो गया, बेसिकली गाइस सी पैक का मकसद क्या है ये बताएं, सी पैक में ग्वादर पोर्ट से वो इंटरनेशनली तो करेगा बट उसके साथ साथ वो पाकिस्तान को जो दरमियान का हिस्सा है ना वहाँ भी चीजें प्रोवाइड करेगी, मतलब इसे वो डबल फायदा उठाना जा रहा है। आपको पता होगा अमेज़न पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर तो उनकी एक ब्रांच भी प्रॉपर आ गई, ओपन हो रहा है, हेड ऑफिस इंडिया के अंदर आ गए, तो उनकी जो अलीबाबा एक्सप्रेस है बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की मानी जानी कंपनी है अमेज़न के बाद, तो वो उसके भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किए जाते हैं, अलीबाबा से मंगवाए जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ जब ये रूट चलना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये चाइनीज अपना काम स्टार्ट कर देंगे ग्वादर पोर्ट के थ्रू, पाकिस्तानियों ने कर दिया है मोटरवे यूज करना, पाकिस्तानी तो वैसे एक्साइटेड कम है, तो चाइना कितना मतलब पैसा कमा सकता है, बिल्कुल दोस्तों यार, वो एक तो अपनी सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा ग्वादर के थ्रू, ठीक है, दूसरे कंट्रीज के साथ, और आपको पता है कि सीपैक जो है ना हमारे सबसे मतलब जो मेन मेन सिटीज है उनके अंदर से गुजर के आ रही है, अब इस्लामाबाद से शुरू हो जाए वहां से लाहौर, लाहौर से जो है ना ये सारा साउथ पंजाब जो हमारा जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ सिर्फ 20 मिनट्स का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, 20 to 30 मिनट्स का, और साथ से सीपैक मोटरवे गुजर रही है, मतलब हर सिटी को वो अटैच किया हुआ सीपैक, पंजाब के समझे सेंटर से गुजर रही है, फिर सिंध के सेंटर से गुजर रही है सारा कराची तक,
फिर वहां से बलोचिस्तान को कनेक्ट कर दिया, मतलब वो सारी सप्लाई अपने पाकिस्तान के अंदर भी इजिली कर सकेंगे। उन्होंने बड़ी टेक्निक, बड़ा झटका होगा क्योंकि आपकी जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट जो होती है बाहर से आती है, वो बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगी, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा हमारी इम्पोर्ट चाइना से तो वैसे बहुत ज्यादा पूरी कंट्री दुनिया से, और डेफिसिट काफी बढ़ जाएगा। और अगर दूसरी मैं वजह बता रहा था यही कि यार जो हमारी प्राइसेस ट्रिपल है, मतलब डबल नहीं है, इंडिया की प्राइसेस से ट्रिपल है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी करेंसी में भी डिफरेंस है, डिफरेंस है डबल से, मतलब उनकी अगर एक है तुम्हारी डबल है ऑलमोस्ट, मतलब डबल से कम नहीं डबल है, ठीक है। एक तो यहाँ पे फैक्टर सीधा सीधा आ गया, अगर वहां पे चीज अगर 10,000 के तुम्हारे 20,000 से कम तो मिलनी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो वल बात हो, ठीक है। ये फैक्टर उसके बाद फिर 10,000 वाली चीज 20,000 में मिलनी चाहिए, 30,000 में मिल रही है, इसकी वजह फिर एक्स्ट्रा ड्यूटीज है इंपोर्ट के ऊपर, जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी फिर जो है रीजन इसमें आती है। अब ये हो गए 2x, अब 3x क्यों होता है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, असेंबलिंग नहीं होती, ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ये जीना सर उस पर ड्यूटी लगती है, तो ये जो ना ये सारा ये थी वीडियो के अंदर सारा कुछ लब्बे लुबाफ। तो मालदीप को इजाजत दे, अपना रखे बहुत ख्याल, और आप बताइएगा आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है। बिल्कुल आप फोन है, मेरे पास जो है ना सैमसंग है, मेरे पास इन्फिनिक्स है और सैमसंग। तो गाइस अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।